साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर। तो साथियों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उनमें पूछा जा रहा था कि डॉक्टर की जो हैंडराइटिंग लिखी रहती है उसको हम कैसे समझें, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको कैसे समझें, जो डॉक्टर्स दवाएं लिखते हैं उसको कैसे समझें। तो साथियों, उसी पर लेकर आज की वीडियो हम आए हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें पूरी जानकारी पाने के लिए। और साथियों, आपकी कोई भी क्वेरी हो जानकारी से रिलेटेड, या फिर कोई और आपको जानकारी चाहिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके लिए हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं वो डॉक्टर्स की राइटिंग को आसानी से समझ लेते हैं, या फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर की राइटिंग को आसानी से समझ लेते हैं, या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो डॉक्टर्स की राइटिंग को आसानी से समझ लेते हैं। तो साथियों, आपका हमसे ये सवाल था कि हम कैसे डॉक्टर की राइटिंग को पहचान सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो दवाई का पर्चा लिखता है, उसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो साथियों, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं और इस वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक या फिर एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे कि आप भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की लिखी हुई पढ़ सकें, जो डॉक्टर दवाई में, जो डॉक्टर पर्चे में दवाई लिखता है उसको आसानी से समझ सकें, जो डॉक्टर इतनी गंदी राइटिंग में या फिर इतनी रनिंग हैंडराइटिंग में लिखता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम रियलिटी की बात करेंगे। साथियों, रियलिटी ये है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग को, डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को हम कैसे समझें, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो ज़्यादातर खाली कॉमन एब्रीवेशन पे बात करते हैं, जो खाली कॉमन एब्रीवेशन से बताते हैं कि अगर आप खाली कॉमन एब्रीवेशन उसके पढ़ लें, समझ लें, तो आप डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन आसानी से समझ सकते हैं। बट जो कॉमन एब्रीवेशन होता है उनमें खाली लैटिन वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे कि RX होता है, BID होता है, TID होता है, QID होता है, AC होता है, PC होता है। ये सारी जो प्रिस्क्रिप्शन पे कॉमन एब्रीवेशंस लिखे होते हैं ये सिर्फ उनके बारे में बताते हैं। अब ये कॉमन एब्रीवेशंस काम क्या करते हैं? कॉमन एब्रीवेशंस का काम ये होता है सिंपल सा, जैसे कि BID है तो BID का मतलब ये होता है कि कोई भी दवा है वो दिन में हमें दो बार लेनी है। अगर TID लिखा हुआ है तो दिन में हमें तीन बार लेनी है, QID लिखा हुआ है तो दिन में हमें चार बार लेनी है। ऐसे ही बहुत से अलग अलग एब्रीवेशंस होते हैं जिनके जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी दवा हमें कब लेनी है और कितनी लेनी है। तो साथियों, ऐसे ही बहुत सारी एब्रीवेशन है तो सभी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आप इसको पढ़ लें, समझ लें, तो आप प्रिस्क्रिप्शन समझ लेंगे। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि एब्रीवेशन से आप प्रिस्क्रिप्शन समझ लेंगे। ये एब्रीवेशन सिर्फ ये समझाते हैं कि दवा लेनी कैसे है। इससे ये नहीं पता चलता है कि दवा कौन सी है, कौन सी दवा है, कौन सी दवा काम करेगी, या फिर इनसे ये भी नहीं पता चलता है कि दवा का हमें आगे यूज़ क्या है। तो साथियों, प्रिस्क्रिप्शन का जो मेन पॉइंट होता है कि दवा लिखी कौन सी है वो कोई नहीं बताता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन में कैसे समझ सकते हैं कि दवा कौन सी लिखी है और कितने डोज में हमें उस दवा को लेना है। तो साथियों, अगर हम बात करें कि जो डॉक्टर्स द्वारा ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो इतनी गंदी हैंडराइटिंग में होता है, इसी वजह से हमें समझ में नहीं आता है। तो साथियों, अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है? सीधी सी बात है साथियों, जब भी कोई इंसान कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उसको जब ज़्यादा लिखना पड़ता है या फिर बहुत टाइम से वो लिखता चला आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी राइटिंग पे असर पड़ता है। तो साथियों, ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ होता है, जब उनका एडमिशन होता है MBBS में तो स्टार्टिंग से एंड तक उनको इतना लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे कि उनकी हैंडराइटिंग पे असर आता है और उनकी हैंडराइटिंग गंदी होती चली जाती है। तो साथियों, सबसे पहले आपको रियलिटी बता दें प्रिस्क्रिप्शन की। तो आपने भी देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, तो जो वो डॉक्टर्स होते हैं वही पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सारी चीज़ें वही लिखते हैं। बट साथियों, आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ दवा का नाम लिखते हैं और पेशेंट का नाम लिखते हैं बस, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं लिखते हैं, यानी ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन आजकल खैर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का ज़माना आ गया, लेकिन वो भी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स अपनी हैंडराइटिंग का यूज़ करते हैं। देखिए, अब आपको कैसे समझना है, जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनको कैसे आसानी से प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ जाता है। तो साथियों,
इसको हम समझने के लिए अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को समझना चाहते हैं तो हमें चार पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। वो चार पॉइंट्स कुछ इस तरह से, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो साथियों, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टोर वाले या फिर फार्मासिस्ट, इनको आसानी से समझ में आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तो इनके ऊपर पहला पॉइंट काम करता है। पहला पॉइंट ये है, या तो वो बी फार्मा किए हुए होते हैं या फिर वो डी फार्मा किए होते हैं। अब साथियों आप कहेंगे, सर मैंने भी बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आता? तो साथियों यहाँ पे दूसरा पॉइंट एप्लीकेबल होगा। इस पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस। और अब दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बारे में। वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं बी फार्मा या डी फार्मा की, उनको इतने ड्रग्स के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको अपने आप समझ में आने लगता है टाइम के साथ। तो साथियों प्रिस्क्रिप्शन समझने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपीरियंस होता है। अब आप एक्सपीरियंस ले कैसे सकते हैं? एक्सपीरियंस आप सीनियर डॉक्टर्स के थ्रू, फार्मासिस्ट के थ्रू, या फिर मेडिकल स्टोर पे काम करके, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करके बहुत आसानी से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इसी तरह से वो डॉक्टर का लिखा हुआ आसानी से समझ सकते हैं और आगे अपना प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा वो मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ दवा का हिंट लिखते हैं या फिर जिस नाम से दवा शुरू होती है उसके आगे का थोड़ा सा वर्ड लिख देते हैं, या फिर आसान भाषा में हम समझाएं तो सिर्फ और सिर्फ दवा का सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लिखते हैं। तो साथियों मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको मेडिसिन का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते, वो आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सी दवा डॉक्टर ने लिखी है। तो साथियों अगर हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो साथियों तीसरा पॉइंट ये हमें बताता है कि मेडिसिन की नॉलेज। अब बात होती है मेडिसिन की नॉलेज, तो मेडिसिन की नॉलेज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास है मेडिसिन, उतना ही आप आसानी से प्रिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। मेडिसिन की नॉलेज आपको पढ़ने से बहुत अच्छे से आएगी, ब्रांड का नाम पढ़ने से, जेनरिक नेम पढ़ने से, दवाओं के डिटेल्स पढ़ने से, दवा के पीछे जो डिटेल्स लिखी रहती है उनको पढ़ने से साथियों मेडिसिन की नॉलेज आपको बहुत अच्छी मिलेगी। साथियों हम अगर अपने आखिरी पॉइंट की बात करें कि हम आखिरी पॉइंट ऐसा कौन सा आखिरी पॉइंट है जिससे हम प्रिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं, तो साथियों आखिरी पॉइंट ये बताता है कि जो डॉक्टर्स का मेडिकल एब्रीविएशंस होता है वो आखिरी पॉइंट्स इसमें आता है। अब उनमें क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मेडिकल एब्रीविएशंस इसलिए होते हैं कि हमें उससे ये पता चलता है कि कौन सी दवा हमें कब लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो साथियों मेडिकल एब्रीविएशन दवाइयों के डोज समझाने के लिए होता है कि दवा कब लेनी है, कितनी लेनी है, सारी जानकारी मेडिकल एब्रीविएशन से मिल जाती है। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको रियलिटी पता चले कि प्रिस्क्रिप्शन आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह होती है डॉक्टर्स की गंदी हैंडराइटिंग लिखने की, कि जिससे कि आसानी से आम लोग ना दवा की जानकारी समझ सकें और उसको अपने ऊपर एप्लीकेबल ना करने लगें। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो साथियों